हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MRD लॉन्ग हेयर में। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आपके नए हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बाल लंबे, काले, घने हो जाएंगे। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक ओनियन यानी कि प्याज। आपको अपने बालों के हिसाब से लेना है, जितने लंबे आपके बाल हैं उस हिसाब से आपको ओनियन लेना है, प्याज, और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपको मिक्सर करना है, जो कि मैंने पहले से किया हुआ है। इस तरीके से मिक्सर करना है, इसका जूस निकाल लेना है ऐसे, और इसको छलनी की मदद से छान लेना है, इसका जूस निकाल लेना है। प्याज में सल्फर होता है जो हमारे बालों को तेजी से उगाता है और लंबा, घना, काला करता है। और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं प्याज में, और इसमें हमें ऐड करना है विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन देख सकते हैं आप ही, और आपको अपने बालों के हिसाब से लेना है इसको, जितने लंबे आपके बाल हैं उस हिसाब से। हम इसका ऑयल निकाल लेंगे इस तरीके से, इसमें मिक्स करना है प्याज के जूस में, इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से मिक्स करना है। आपको बालों में ऑयल नहीं लगाना है। मैंने बालों में ऑयलिंग की है क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था, इसलिए मैंने बालों में ऑयलिंग की है। आपको बालों में ऑयल नहीं लगाना है, आपको इसको रात को लगाना है। आपको इसकी स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं, जब आप हेयर वॉश करते हैं। इसे 2 घंटे तक अपने बालों में लगा लीजिए। एक कॉटन लेना है आपको इस तरीके से, और इसमें डिप करके अपने पूरे स्कैल्प पे ऐसे लगाना है इसको। आपका बहुत सारा हेयर फॉल होता है तो इससे हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा और नए हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से पूरे स्कैल्प पे लगाना है आपको। इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज कीजिए जड़ों में।
अब मैंने इसे पूरे स्कैल्प पे लगा लिया इस तरीके से। अब हल्के हाथों से आपको ऐसे मसाज करना है। इसको 2 घंटे तक ऐसे ही रखना है, उसके बाद हेयर वॉश करना है। तो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।